इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक ने अपने करियर का चौथा दोहरा शतक लगाया, जिसकी मदद से इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले डे एंड नाइट टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 514 रन बनाकर समाप्त कर दी। सलामी बल्लेबाज कुक ने 243 रन बनाए और उनके आउट होते ही कप्तान जो रूट ने पारी घोषित कर दी थी। कुक ने इस मैच में 407 गेंदों का सामना करते हुए 33 चौके लगाए। एलिस्टर कुक का ये वेस्टइंडीज के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर भी है। जब कुक 243 रन पर थे तब वेस्टइंडीज के सबसे सफल गेंदबाज ऑफ स्पिनर रोस्टन चेज ने उनको LBW के रूप में आउट किया। इस मैच की खास बात ये रही कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 से ज्यादा घंटों तक बल्लेबाजी की। ऐसा करके वह एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब भी पहुंचे। दरअसल एलिस्टर कुक ने छठी बार इतनी बड़ी पारी खेली। क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ भारत के राहुल द्रविड़ ही एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एलिस्टर कुक से ज्यादा 7 बार 9 से ज्यादा घंटों तक की बल्लेबाजी की है। क्रिकेट के ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें।